हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत सारे लोग शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार फास्ट रखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग पूरा महीना भर भी फास्ट रखते हैं सावन के महीने में। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में फास्ट रख रहे हैं और या फिर कोई भी आप फास्ट रख रहे हैं और उसमें एनर्जेटिक आप पूरा दिन रहें, तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको फास्ट में आप खा के वो पूरा दिन आपका पेट भरा भरा रहेगा और अच्छा आपको लगेगा और एनर्जी आपकी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पंजीरी लेके आई हूँ, जिसे बहुत सारे लोग चूरी भी बोलते हैं। फास्ट में आमतौर पर ये बनती है। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए फूल मखाने एक बाउल। एक बाउल मैंने सूखा नारियल भिगोया हुआ लिया है और धनिया पाउडर, देसी खांड और ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं। फ्रेंड्स, फूल मखाने जो लोटस सीड्स भी बोलते हैं, इनको बहुत सारी इंडियन स्वीट्स में इसे यूज़ किया जाता है। खीर है, रायता में मखाना करी भी बनती है। बहुत सारे लोग इसे एज अ टी टाइम स्नैक की तरह भी यूज़ करते हैं। फूल मखाने में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो फ्रेंड्स, फूल मखानों को हमें थोड़ा सा भून लेना है नॉनस्टिक पैन में या किसी भी चीज़ में आप इसे भून सकते हैं, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे और आसानी से पीसे जाएंगे। अभी एक मिक्सी जार के अंदर फूल मखाने हमें लेने हैं जो हमने भून के रखे हैं। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कोई भी आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, कितने भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और सूखा धनिया पाउडर आपको लेना है। फूल मखाने जो होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है जो हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में बहुत मदद करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पीस के एक बाउल में डाल लेना है। अब मैंने नारियल लिया है, इसे गोला भी बोलते हैं, सूखा नारियल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, नारियल के अंदर बहुत हाई अमाउंट में मैग्नीशियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर कॉपर, आयरन और बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म करता है ये कोलेस्ट्रॉल को, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के लिए भी। तो अगर आप गर्म इलाके में रह रहे हैं यानी गर्मी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप नारियल को, गोले को रात को भिगो के ही यूज़ करना। और अगर आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो आप सूखा नारियल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सुबह आपको यूज़ करना है और इस तरीके से नारियल को भी हमें मिक्सी में इस चूरी बना लेना है, पीस लेना है और सारे जो भी हमने इन्ग्रीडियंट्स पीसे हैं उनको एक बाउल में मिक्स कर लेना है अच्छे से, इस तरीके से डाल के। फ्रेंड्स, जो फूल मखाने हैं वो हमारी अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कैल्शियम बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर देसी खांड यूज़ की, देसी खांड भी तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है, तो आप देसी खांड यूज़ कीजिएगा। मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें देसी घी यूज़ किया है। देसी घी इसलिए यूज़ किया है ताकि ये सूखा सूखा ना लगे और अच्छे से आराम से खाया जाए। तो आप इसमें सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारी चूरी यानी पंजीरी बनके तैयार हो गई है। आप इसे ताज़ा बना के खा सकते हैं। अगर आप सूखा नारियल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे महीने भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब भी आप इसे खाएं, इसके साथ दूध जरूर पिए ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से काम कर सकें, आपके शरीर को अच्छे से ताकत दें और अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी यूज़ हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप इसे बना के बिना फास्ट रखे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।